नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मिस्ता के पूर्व सरपंच श्रीमती सीमा लश्कर के ससुर रोहित लश्कर जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि 2017 से 2020 तक का पंचायत द्वारा काम किया है कि जैसे कि सामुदायिक भवन में टाइल्स लगवाया हूँ, माता चोरों में बीम और कई काम किए, इन सब में मेरा घर का पैसा लगा है, जैसे मैंने दूसरे के पास ब्याज में कर्जा में लिया हूँ, जिसके कारण मेरा आज बेटा बहू श्रीमती सीमा लश्कर पूर्व सरपंच जिसे आज कर्ज को छुटाने के कारण बाहर जाने को पड़ा, लेकिन फिर भी अभी तक कर्ज नहीं छुटा पा रहा है और इन सभी काम का हिसाब कर पैसे देने के लिए खेमराज जयकर सचिव एवं पंचकर मिलकर पंचायत में बैठक कर पैसे देंगे कहकर सभी कागजातों में दस्तखत करवा लिए और मुझे अभी तक के कुछ भी हिसाब नहीं दिए हैं, ना ही पैसे दे रहे हैं। मैं बहुत ही परेशान हूँ इन सभी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए और कई दफ्तरों की चक्कर काट रहा हूं और आज फिर कलेक्टर महोदय जी को दरख्वास्त लगाई है कि मेरे इन सभी समस्याओं को देख सही जांच कर हिसाब कर पैसे को दिलाने की मांग किया है। अब ये देखना है कि शासन के आला अधिकारी क्या ध्यान देते हैं। मेरा नाम है सर रोहित लश्कर, पूर्व सरपंच है मेरा सीमा लश्कर, उनका मैं ससुर हूँ। पूर्व में जो भी आज तक मैंने काम करवाए हैं पेंटिंग में सब रखा गया है, कोरे कोरे कागजात पे दस्तखत करवाए गए हैं, उनमें पंच भी हैं और कागजात सचिव के पास है, लेकिन आज तक काम अधूरा है, अधूरा काम को जांच भी नहीं किए हैं और इस कागजात को कलेक्टर के यहाँ मैं लगा चुका हूँ, लेकिन आज तक मेरा समस्या का कोई निराकरण नहीं हो रहा है और मेरा घर परिवार भी जो है तो वर्तमान में सरपंच महोदय जी कमाने खाने गए हैं। तो ही मेरा निवेदन है कि जो भी 12,22,000 रुपये वर्तमान में काम किए हैं, जिसके कोरे कोरे कागजात में दस्तखत करवाकर सचिव ने पूरा पैसा आहरण कर लिए हैं, उस समय कोरोना काल था, उसी समय से कोरोना काल जब से हटे हैं तब से मैं कागजात कलेक्टर में लगाया हूँ और जिला स्तर पर लगाया हूँ और जनपद स्तर पर, लेकिन आज तक कोई अधिकारी ध्यान नहीं दिए। तब महोदय से मेरा निवेदन है, मैं गरीब आदमी। तो अभी क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? अब शासन प्रशासन से सर मैं ही चाहता हूँ कि जो भी मेरा काम पेंटिंग में रखा गया है सचिव ने, पंच भी लोग जा रहे हैं, प्रस्ताव कुछ में पैसा पड़े हैं, मटेरियल के भी पैसा पड़े हैं, आज तक उस पैसे का अधिकारी लोग हिसाब नहीं दवा पा रहे हैं सचिव से, तो इस हिसाब अभी काम जो अधूरा पड़ा है उस काम का रिकवरी हो सके तो सरपंच ऊपर फिर आएंगे, तो उस काम को तो मैं लिख चुका हूँ, उस काम का अधिकारी आकर देख लें और उन्हें पैसा सब फंसा है मेरा। मेरा नाम रमेश खन्ना है, मैं ग्राम मिसदा में रहता हूँ और इनका जो सरपंच है सीमा लश्कर जी, इन्होंने पूर्व में कुछ काम करवाए थे, अभी तो पुराने हो गए, कह दीजिए बहुत पूर्व हो गए, और इनका पैसे जो है अभी तरीके के साथ नहीं मिल पाए हैं, तो हम शासन से चाहते हैं कि इनका पैसा मूल्यांकन करके इनका पैसे को दिया जाए, और सीधा साधा है, नॉर्मल लिंक करते हैं, ये नॉर्मल आदमी है बेचारा, गरीब आदमी, और इनका ज़मीन जायदाद तो है नहीं, और इनका काम सही सलामत गांव में हुआ था और इनका पंच को भी जानकारी है, जो सचिव थे उनको भी जानकारी में है, इसलिए चाहते हैं शासन से कि इनका पैसा जो है अति शीघ्र इनके पैसे दिवाने में शासन जो है मदद करे और इन गरीब का पैसे को मिलना चाहिए। अब कलेक्टर ऑफिस में मैं हाँ 14 तारीख 2022 माल मैं लगाए हैं, लेकिन आज तक मोला सचिव करा कोई हिसाब नहीं मिलते, न कोई साहब मन ध्यान नहीं देते, मैं कागज़ भर लगा था वहाँ जन दर्शन माँ था और इसे आके दे ध्यान दे था, लेकिन आज तक मुला कोई हिसाब नहीं मिले, न कोई अधिकारी जांच करते करते भी सब गठित हो गए हाँ मैं, लेकिन आज तक कहीं जगह मुला नहीं बनाए। तो किस कारण से आए यहाँ? यहाँ पे आए हैं कि मोर पुराना सरपंच के हिसाब बात ला 12,000-22,00,000 रुपए के जो हिसाब बात है तेरे खेमराज आज तक नहीं बताए और एक पैसा ला हरण कर दा रहे, काम अधूरा है भाई। किसने किया? खेमराज जयकर सचिव। क्या चाहते हैं? अब बस मोर पैसा मोला वापस चाहिए भाई, वहाँ के